Good evening, friends. Today we are discussing a new topic, chronological order of outbreak, epidemic and pandemic on the earth. तो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, क्योंकि आज विश्व जो है एक वैश्विक महामारी को झेल रहा है और पूरे जोर से पूरे विश्व ने एकजुट होकर जो हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ते थे, वह ग्लोबलाइजेशन आज भी किस रूप में पनप रहा है, वो सोशल डिस्टेंसिंग है, आइसोलेशन है, लॉकडाउन है, क्वारंटाइन के मेथड से इस वैश्विक महामारी को ख़त्म करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि इससे हम ज़रूर सफल होंगे। तो आज शुरुआत करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ आउटब्रेक एपिडेमिक एंड पेंडेमिक ऑन द अर्थ। तो शुरुआत करें सबसे पहले एंटोनिन प्लेग जो था वो 165 से 180 एडी के बीच में फैला था, आप देख रहे हैं, और उसमें मरने वालों की संख्या जो थी, डेथ टोल्स थी, वो 50 लैक्स के आसपास थी। और एक तरफ आप ये देख रहे हैं, मैंने एक ड्रॉ किया है, एक पिरामिड ड्रॉ किया है जिसमें एक तरफ क्रोनोलॉजी को दिखाया गया है, ईयर्स हैं और उस ईयर के अकॉर्डिंग होने वाले डेथ टोल और एपिडेमिक आउटब्रेक और पेंडेमिक को मैंने शो किया है, तो वो आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्लेग ऑफ जस्टेनियन है 541 से 542 एडी के बीच में, और इसमें डेथ टोल उस समय हुई थी 3 to 5 crores के बीच में। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं 735 एडी से 737 एडी के बीच में जापानीज स्मॉल पॉक्स चला था, और इसके कारण जो डेथ टोल्स थी वो 10 lakhs के आसपास बताई गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो डेटा है वो डेटा है हमारे पास 1347 से 1351 के बीच में ब्लैक डेथ का, इसे ब्यूबोनिक प्लेग भी कहा जाता है, और वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा डेथ टोल है जहां मरने वालों की तादाद जो है वो 20 करोड़ के आसपास बताई गई है। डेथ टोल सबसे हाईएस्ट है, ब्लैक डेथ, ब्लूबोनिक प्लेग कहा गया है इसको। और इसके बाद 1347 एडी के बाद हम ऊपर चलते हैं, स्मॉल पॉक्स जो है वो 1520 एडी के अंदर, डेथ टोल्स 5.6 करोड़, देन ग्रेट प्लेग 1600 के अंदर आया था ये 30 lakhs, उसके बाद ग्रेट प्लेग 1700 में 17वीं शताब्दी में ग्रेट प्लेग 6 lakhs, और कॉलेरा जो है 1817 से 1923 के बीच में हुआ था, और यहाँ पर डेथ टोल्स 10 lakhs बताई गई हैं। और इसके बाद नेक्स्ट 1855 में थर्ड प्लेग आया था, 1.20 crores बताया गया है उसका डेथ टोल, और इसी के साथ रशियन फ्लू बताया गया है और येलो फीवर, ये दोनों ही जो हैं ये मिलते जुलते हैं आज कोविड-19 से, मिलते जुलते इनके लक्षण हैं, और ये चाइना से ही इनकी शुरुआत हुई थी। रशियन फ्लू जो है 10 lakhs बताया गया है 1889-1890 के बीच में, उसके बाद येलो फीवर बताया गया है 19th century के अंदर स्टार्ट हुआ था, 1 to 1.5 lakhs के आसपास डेथ टोल्स बताई गई हैं इसमें। 2002 to 2003 के बीच में सार्स बताया गया है, और इसमें 770 था डेथ टोल। उसके बाद 2009 के अंदर स्वाइन फ्लू बताया गया है, 9-10 में 2 lakhs इसका डेथ टोल है। 2014 में इबोला है 11,300, और 15 में मर्स है 850, ये भी इनका ताल्लुक कोविड-19 परिवार के वायरस से ही है, पर इनकी क्षमता थोड़ी कम रही है। और आगे 2016 में इबोला है, इबोला की जो डेथ परसेंटेज बताई गई है वो अराउंड 40% बताई गई है, इबोला में 38% डेथ टोल बताई गई। और नेक्स्ट हम 2019 में देख रहे हैं, कोविड-19 जो है इसमें डेथ टोल अब बढ़कर, पहले यहाँ मैंने लिखे थे सोर्स इसका यूरोपियन CDC और वर्ल्ड इन डेटा है, जो पहले 4-5 दिन पहले का डेटा जो है 14,411 है, और आज ये बढ़कर 29 मार्च को ये डेटा हो गया है 30,000 कोविड-19 से, नोवल कोरोना वायरस से। और हम जानते हैं कि 11th of March को WHO ने इसको
ग्लोबल पेंडेमिक घोषित कर दिया गया था। ये थर्ड ग्लोबल पेंडेमिक है इन द हिस्ट्री ऑफ WHO। और आगे हम नज़र डालते हैं कि मैक्सिमम डेथ टोल्स जो हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, इसमें सबसे पहले नंबर पर इटली है। इटली का जो तादाद है वो बढ़कर 10,023 हो गया है आज की डेट में। सेकंड नंबर पे स्पेन है 6,528, यानी कि 6,528। थर्ड नंबर पे चाइना है, हुबई में 3,182 का डेटा है। हमारे पास ईरान में 2,640 का डेटा है आज की डेट में। और फिर नेक्स्ट यूके है जहां पर 1,019 का डेटा है। न्यूयॉर्क में 627 डेथ टोल्स हैं। जर्मनी में 1,111 उनसे बढ़कर 455 हो गया है। साउथ कोरिया में 152। तो उम्मीद है ये आंकड़े आपके काम आएंगे। जय हिंद।